हेलो दगड़ियों, नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो भाई आज बात कुछ ऐसी, आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बिकॉज मामा जी हमारे आए हैं भाई गांव से। और अभी देख पा रहे होंगे आप कि हम जो है जस्ट हाईवे के बगल में हैं। अभी मामा हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं देहरादून गाड़ी लेने। तो गाइज आज हम लेने वाले हैं अपनी लाइफ की एक और गाड़ी हमारी ज़िंदगी में ऐड होने वाली है और एक नई कार लेंगे। लेकिन वो कार कौन सी लेंगे ये भी अभी हमने डिसाइड नहीं किया रहा बिकॉज अभी हमने 3-4 गाड़ियाँ फिलहाल देखी हैं। तो सबसे पहले हम शोरूम में जाएंगे और सबका टेस्ट ड्राइव लेंगे, कौन सी गाड़ी अच्छी है, चलाने में मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है, कंफर्टेबल कैसी है ना मामा। और उसके बाद भाई हम फाइनल करेंगे कौन सी गाड़ी परचेज करनी है। और सबसे कमाल की बात गाइज ये है कि अगर हमें गाड़ी आज मिल जाएगी जो हम फाइनल करेंगे तो भाई आज ही हम जो है गाड़ी खरीद के आ जाएंगे, घर पे लेके आएंगे, है ना मामा। और सबसे कमाल की बात कि भाई मामा जी को अभी गाड़ी चलानी नहीं आती तो मैं मामा जी को भी सिखाऊंगा गाड़ी, नई गाड़ी में भाई मजे आने वाले हैं। तो ब्लॉग पर बने रहना। तो अभी हम फिलहाल निकल रहे हैं मैं अपनी स्कूटी से देहरादून के लिए, तो अभी आपको मिलते हैं भाई वहीं पे। तो गाइज अभी जो हमारे सबसे घर के पास में पहला शोरूम पड़ता है वो है भाई टोयोटा का, और अभी हम आ चुके हैं इस शोरूम में। और अभी हम सबसे पहले देखेंगे इनोवा की क्रिस्टा, है मामा? क्रिस्टा, हाँ। और उसके बाद बाकी गाड़ियां भी देखेंगे, लेकिन गाइस सबसे पहला मन हमारे इसी गाड़ी में है और पहले हम देख लेते हैं भाई कैसी गाड़ी है, बाकी चीजें तो देखने के बाद ही पता चलेगा कौन सी फाइनल करनी है। दोस्तों यार बड़ी अजीब बात है कि भाई गाड़ी हमने देखने गए थे इनोवा क्रिस्टा, लेकिन यार गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है और कह रहे हैं भाई 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड है। और सच में यार टेस्ट ड्राइव के लिए भी इनके पास कोई गाड़ी नहीं है, बड़ा बुरा हाल है भाई सीरियसली यार। ये उम्मीद तो मुझे नहीं थी भाई टोयोटा से कि भाई टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी उन्होंने रखी नहीं होगी, फिर बोल रहे कि बाद में घर पे ही भेज देंगे टेस्ट ड्राइव के लिए। भैया गाड़ी अभी चाहिए तो भैया हमें तो अभी चक्कर नहीं है ना चला के। चलो कोई नहीं गाइस अभी निकलते हैं वापस देहरादून के लिए। तो लो जी दोस्तों अभी एक और शोरूम में हम आ चुके हैं और ये है भाई महिंद्रा का शोरूम। तो मामा जी कौन सी गाड़ी बढ़िया लगती है आपको महिंद्रा में? देखते हैं नई वाली गाड़ी, देखते हैं अभी। अच्छा अच्छा, तो भाई चलो महिंद्रा न्यू प्लस है, नई वाली देखते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट से। तो फाइनली गाइस महिंद्रा के शोरूम में होके आ चुके हैं, बट भाई मजा बिल्कुल नहीं आया बिकॉज उन्होंने ना साफ साफ मना कर दिया कि महिंद्रा न्यू प्लस जो गाड़ी है उसका हम टेस्ट ड्राइव नहीं दे सकते। तो मैंने बोला भाई नहीं लेनी अब तो, है ना मामा। तो अभी हम आ चुके हैं मारुति के शोरूम में और अभी हमें देखनी है फाइनल जो है मारुति एटिगा देखनी है। तो चल तो भाई अंदर देखते हैं क्या होता है। तो लो जी गाइस हमने ये गाड़ी अभी देख ली है, ये है भाई एटिगा और मारुति सुजुकी गाड़ी बड़ी प्यारी है। बट गाइस अभी ना अभी एक और गाड़ी मामा जी को देखनी है, वो है जो मेरी गाड़ी है ना किया कैरेंस, वही देखनी पेट्रोल में। तो अभी मामा जी अंदर वेट कर रहे हैं। तो आज गए हमने 3 से 4 शोरूम छान मार लिए हैं और अभी हम आ चुके हैं भाई किया के शोरूम में देहरादून में। और ये है किया का शोरूम, हालांकि मैंने जो अपनी गाड़ी ली थी भाई किया शोरूम से वो हरिद्वार से ली थी, बट अभी हम यहाँ पर पहले जो है पता करेंगे कि किया के जो कैरेंस है डीजल वर्जन उसका प्राइस क्या है, कोटेशन लेंगे और टेस्ट ड्राइव भी लेंगे अगर मिलती है तो। तो अभी जाते हैं भाई अंदर। तो गाइस फाइनली मामा को एक्चुअली हुआ क्या कि मामा को मेरी गाड़ी बड़ी पसंद आ रही थी, तो अभी ना फाइनली हमने ये वाली जो गाड़ी है ये है किया की कैरेंस, ये है डीजल वर्जन और इसकी हम टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है, है मामा। लेकिन ये इटिका से बढ़िया लग रही ना, है उससे बढ़िया ना। तो चलो तो गाइज अभी सुबह के मॉर्निंग हो रहे हैं, करीबन 9 बज रहे हैं और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और कल जैसे आपने देखा कि बहुत सारी भाई हम अलग अलग कंपनी की गाड़ी देख के आ चुके थे और जो हमने फाइनल करी है ना वो आप सभी के लिए सरप्राइज रखा हुआ हमने, फिलहाल अब बताएंगे नहीं आप लोगों को। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया और कौन सी कंपनी की गाड़ी सबसे बढ़िया लगती है टूर एंड ट्रैवल पर्पज के लिए। तो अभी बात कुछ ऐसी कि भैया बुक तो हमने करवा दी है 25,000 के अमाउंट देके, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी 3 से 4 महीने का जो है वेटिंग पीरियड है, उसके बाद जो है 3 से 4 महीने, हालांकि हो सकता है कि 2 महीने में हमें जो है गाड़ी मिल जाए। तो अभी मामा ने डिसाइड करा कि अभी वो गांव जाएंगे, क्यों मामा? अभी वेटिंग पे चल रही है ना। हाँ तो अभी गांव जाएंगे 4-5 महीने, तब तक गांव का कुछ काम, गांव में कुछ काम निपटा देंगे और उसके बाद भाई कुछ टाइम बाद हम लेंगे गाड़ी की डिलीवरी। तो अभी मैं मामा को छोड़ने जा रहा हूँ भाई ऋषिकेश, क्योंकि मामा को गाँव जाना है। बस यही था आज का ब्लॉग, आपको ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं और हो सके तो यार ब्लॉग को शेयर कर दिया करो, गला खराश हो रही गाइस, शेयर कर दिया करो बिकॉज वीडियो को बनाने में, ब्लॉग को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। बाय बाय।